अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। इस वीडियो में हम एनी टेक्स को विंडोज में इंस्टॉल करेंगे और उसके बेसिक यूजेज का तरीका देखेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये इस सीरीज की सातवीं वीडियो है। अभी तक हम ये पहले 6 सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देख चुके हैं। मैं सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाकी सॉफ्टवेयर्स का जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस और उनकी यूजेज का प्रोसेस वहां से देख सकेंगे। इस वीडियो में हम एनीडेक्स से कंटिन्यू करेंगे। एनीडेक्स को डाउनलोड करने के लिए आप एक गूगल क्रोम का न्यू टैब ओपन कर लें और वहां पर एनीडेक्स लिखकर सर्च करें। जब आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट होगी anydex.com, इस पे आप क्लिक करें और यहां से जो आपका सिस्टम है, अगर आप मैक ओएस यूजर हैं तो मैक पे क्लिक करके वहां से अपने सिस्टम के लिए डाउनलोड कर लें, और जिस भी आप सिस्टम पर हैं जो यहां पे अवेलेबल है अपने सिस्टम के लिए उसको डाउनलोड कर लें। यूबंटू यूजर्स जो होंगे वो लिनक्स बेस्ड सिस्टम को डाउनलोड करेंगे। मैं क्योंकि विंडोज सिस्टम पे हूं तो मैं विंडोज पे क्लिक करूंगा और डाउनलोड नाउ के बटन पे क्लिक कर दूंगा। ये इसका जो इंस्टॉलर फाइल है उसको डाउनलोड कर ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी इंस्टॉलर फाइल है वो डाउनलोड हो रही है। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा कि जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी तो ये साथ ही ओपन हो जाएगी। इसकी जो डाउनलोड वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पे जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट होगी तो ये साथ ही इसको ओपन कर लेगा। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हुई है एनीडेक्स स्टार्ट हो गया। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर की एक टाइप है, पोर्टेबल सॉफ्टवेयर। इसमें जो हमने डाउनलोड किया था वो इसकी exe फाइल थी, उसमें मैंने क्लिक किया था कि जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए साथ ही इसको ओपन भी कर दिया जाए। तो जैसे ही ये ओपन हुआ है तो ये साथ ही एग्जीक्यूट हो गया है, रन होने लग पड़ा है। इसने अपने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अभी के लिए स्किप कर दिया कि पहले ये कहने के एक किस्म का ट्रायल वर्जन आपके पास है कि आप इसको एक दफा यूज करके देख लें, और बाय द एंड जब आप इसको क्लोज करने लगे फिर ये आपसे पूछ लेगा कि क्या आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगा तो आप इसे इंस्टॉल कर लें, अदरवाइज आप इसको एज अ पोर्टेबल सॉफ्टवेयर ही यूज कर सकते हैं। लेकिन वो हर दफा सेक्शन के एंड पे फिर आपसे पूछेगा कि अगर आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगा तो आप इसको इंस्टॉल कर लें एज अ प्रोग्राम, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं ये चीज आपसे ना पूछूं। करंटली अभी आप देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये एज अ सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल नहीं हुआ। ये डायरेक्टली अपनी exe फाइल जो हमने डाउनलोड की थी यहाँ से ब्राउजर से, उससे डायरेक्ट एग्जीक्यूट होकर रन होने लग पड़ा। अब एनीडेक्स सॉफ्टवेयर मेन जो इसका पर्पस है दो सिस्टम्स को एक साथ यूज करने का। मीन आप इस सिस्टम पे, एक सिस्टम पे पीसी वन पे बैठे हुए हैं और आपके पास एक और सिस्टम है पीसी टू, आप उसको इस सिस्टम पे बैठे हुए इस सिस्टम में उसको एक्सेस करना चाहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को रिमोट डेस्कटॉप कंट्रोल कहते हैं कि एक सिस्टम जो आपके करंट आपके पास नहीं है वो आपके या तो घर में पड़ा हुआ है या आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और वो क्लाइंट आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री है, तो वो सिस्टम उसके पास वहां पे चल रहा है, तो आप एक रिमोट लोकेशन से उस सिस्टम में एक्सेस करें और जो काम आप करना चाहते हैं वहां पे उसको कर सके। इसके लिए मैंने एनीडेक्स को इसलिए चूज किया है क्योंकि ये काफी लाइट वेट है। इसके अलावा भी काफी सॉफ्टवेयर्स प्रोफेशनल अवेलेबल हैं, लेकिन ये मोस्ट लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। मेनली रिमोट डेक्स को एक्सेस करने के लिए जब आप एनीडेक्स को किसी भी सिस्टम पे चलाएंगे इंस्टॉल करके या डायरेक्ट उसकी exe फाइल से, तो आपको ये टेक्स्ट नजर आ रहा होगा योर एड्रेस। ये बेसिकली जिस सिस्टम में एनीडेक्स चल रहा है उस सिस्टम का रिमोट एड्रेस है। ये एड्रेस आप जिसके साथ शेयर करेंगे वो आपके सिस्टम पर एक कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज सकता है। मेरे पास अभी एक सिस्टम साथ ही पड़ा हुआ है, मैंने उस पे एनीडेक्स को इंस्टॉल किया हुआ है, मैं उसका एड्रेस यहाँ पे टाइप करूंगा और फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। मैंने अपने सेकेंड पीसी का जो एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप कर लिया है। बेसिकली किसी पीसीज पे आपको इसका एड्रेस 9 डिजिट का मिल जाएगा, कहीं पे 10 डिजिट का मिल जाएगा। जो भी एड्रेस यहाँ पे जो नंबर्स की फॉर्म में ये रेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपके उस सिस्टम का एड्रेस है जो कि आपने दूसरे के साथ शेयर करना है या अपने दूसरे सिस्टम पे यूज करना है उस पीसी को एक्सेस करने के लिए जिस
सिस्टम से आपने ये एड्रेस लिया है। तो मैंने यहाँ पे ये एड्रेस एंटर कर दिया है और अब मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा। दो तरीके हैं, या तो मैं इस फील्ड पे रहते हुए एंटर प्रेस कर दूं या मैं इस कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर दूं। मैं एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमने पहली दफा चलाया है, तो ये हमसे कोई सिस्टम सिक्योरिटी, जो विंडोज सिक्योरिटी अलर्ट है वो आएगा। आप इसको अलाउ एक्सेस पे क्लिक करते, ये सिक्योरिटी अलर्ट्स काफी सॉफ्टवेयर्स पे आता है, जैसे कि नोट जेएस पे मैंने अक्सर, जब हम किसी नोट जेएस की ऐप को चलाते हैं उस पे मैंने अक्सर देखा हुआ है। तो जब इस तरह का कोई अलर्ट आए, अनटिल अनलेस के आपको फुली कंफर्म हो, जैसे कि एनीटेक्स की मुझे पता है कि ये प्रॉपर यूजेज के लिए, क्योंकि इसने नेटवर्क को एक्सेस करना है, इस वजह से इसने ये अलर्ट दिया, तो आप प्लीज कंफर्म करके उस चीज को अलाउ एक्सेस करें। अगर आपको उसकी समझ ना लगे कि ये किस वजह से आ गया, तो आप उसको कैंसिल कर दें। यहाँ पे जब मैंने इसको कनेक्ट पे किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनेक्टिंग आ रहा है, प्लीज वेट फॉर द रिमोट साइट टू एक्सेप्ट योर सेक्शन रिक्वेस्ट। यहाँ पे कनेक्शन की रिक्वेस्ट इसने सेंड कर दिया सिस्टम में, और मेरे सामने दूसरे पीसी पे, जहां पे भी वो दूसरा पीसी होगा, अगर आपके सामने होगा या आपके घर में होगा, तो वहां पे वो कनेक्शन की एक रिक्वेस्ट आ रही होगी, जिसको या तो एक्सेप्ट कर सकता है वो बंदा जिसका वो सिस्टम है, या फिर वो रिजेक्ट कर सकता है। अगर मैं उस सिस्टम से इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता हूं, डिक्लाइन करता हूं, तो यहाँ पे ये सेक्शन रिजेक्टेड कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की गई। मैं इसको ओके करूंगा और फिर इस इनपुट फील्ड पे इस दफा मैं कनेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। ये फिर सिस्टम को एक्सेस करेगा। सबसे पहले ये देखेगा कि क्या ये एड्रेस वैलिड एड्रेस है कि नहीं, तो अगर वैलिड एड्रेस नहीं होगा तो वहीं से ये रिक्वेस्ट कैंसिल आउट हो जाएगी। जब इसने ये वेरीफाई कर लिया कि ये एक वैलिड एड्रेस है, तो ये उस सिस्टम पे, अगर वहां पे एनी टेक्स्ट ओपन होगा, एक्सेसिबल होगा, तो वहां पे एक रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। अगर एक वैलिड एड्रेस हुआ भी, लेकिन उस सिस्टम पे, जिस सिस्टम का ये एनी टेक्स्ट एड्रेस था, वहां पर एनी टेक्स्ट ओपन नहीं था, प्रॉपरली शट डाउन था, तो फिर भी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। तो सिस्टम का ऑन होना जरूरी है, वहां पे एनी टेक्स्ट का ऑन होना जरूरी है, और ये एड्रेस का वैलिड होना जरूरी है। तीनों चीजें जब होंगी, तब उस सिस्टम पे एक कनेक्शन रिक्वेस्ट चली जाएगी। अब मैं उस सिस्टम पे ये कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने वहां पे सिस्टम से जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब उसका जो स्क्रीन है, उसकी स्क्रीन को फेच कर रहा है। और यहाँ पे मैं इस आइकॉन पे क्लिक करूंगा, डिस्प्ले सेटिंग्स, और इसको स्ट्रेच कर दूंगा, ये ओरिजिनल करूंगा। बेसिकली अगर दोनों की स्क्रीन इक्वल होगी तो ऑटोमेटिकली वो पूरा आ जाएगा। जब स्क्रीन पूरी ना आ रही हो, तो आप इसको स्ट्रेच पे कर दें, ताकि जो आपका डिस्प्ले है उसके लिहाज से स्क्रीन को एडजस्ट कर दिए। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे रहते हुए उस सिस्टम पे एक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ। ये मैं इस सिस्टम के माउस से मैक ओएस के सिस्टम पे एक्शंस परफॉर्म कर रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट था रिमोट डेस्कटॉप का। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि अगर दोनों सिस्टम आपके ही हैं और बेसिकली वो सिस्टम घर में या किसी भी जगह ऑन है, लेकिन उसके पास कोई एक्टिव मेंबर नहीं है, कोई एक्चुअल पर्सन नहीं है जो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सके, और आप खुद भी वहां तक नहीं जा सकते, तो आपके पास एनीटेक्स में एक ऑप्शन है अनऑथराइज्ड एक्सेस का। उसके लिए मैं इस कनेक्शन को पहले क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करूंगा और वो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे जनरल पे क्लिक करूंगा हैमबर्गर आइकॉन पे, और दोनों ऑप्शन सामने ही है। सेट पासवर्ड करूंगा, ये भी उसी काम को करेगा जो मैं अभी कह रहा था अनऑथराइज्ड एक्सेस को। और अगर आपने बाकी सारी सेटिंग देखनी हो, तो आप सेटिंग पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेटिंग्स पे आएंगे, यहाँ पे आपको इस एनीटेक्स सॉफ्टवेयर की जितनी सेटिंग्स है वो सारी अवेलेबल हो जाएगी। फॉर स्टार्टर्स, जब तक कि आप इसके थोड़े एडवांस यूजर ना बन जाए, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसकी सेटिंग के साथ प्ले करें कि कोई डिस्टर्ब ना ऑर्डर हो जाए। अगर आप करना चाहें तो नो डाउट आप कर सकते हैं। अगर कोई इश्यू आता है, तो आप सिंपली इसको बस अनइंस्टॉल करें, या इसकी exe फाइल को डिलीट कर दें, या फिर हर एक सिस्टम में रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, आप उसके थ्रू इसकी सेटिंग्स को रीसेट कर लें। सेटिंग्स के आइकॉन पे, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहां से आपने सिक्योरिटी के टैब में जाना, और ये वो सेम एग्जैक्ट सेम
ऑप्शन है जो यहाँ पे हमें डायरेक्टली अवेलेबल था, सेट पासवर्ड। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, सेट पासवर्ड। यहाँ पे आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आप ऑनलाइन टूल यूज कर लें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर, या अगर आपके पास लेटर्स, कैपिटल, स्मॉल केस, अपर केस, डिजिट्स और कुछ सिंबल्स, इनको मिक्स करके एक पासवर्ड लिखें, ताकि जो आपका पासवर्ड हो वो स्ट्रॉन्ग हो और आपके सिस्टम की किसी को भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना मिल सके। यहां पे मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टाइप कर दूंगा, और जो पासवर्ड आपने यहां पे टाइप किया है उसी पासवर्ड को यहां पे कंफर्म करना है, ताकि वो सेट हो सके। जब आप ये पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टाइप करेंगे और उसको कंफर्म कर देंगे, यहां पे प्रोफाइल्स में अनअटेंडेड एक्सेस को सिलेक्ट रहने दें, अप्लाई करें और ये काम कंप्लीट हो गया। मैं दूसरी अपनी प्रोफाइल पे ये काम ऑलरेडी कर चुका हूं, तो अब हम विदाउट मीन के वहां पे मैं एक्सेप्ट किए, यहां पे डायरेक्ट पासवर्ड के थ्रू उस सिस्टम को एक्सेस करूंगा। मैं सेटिंग्स के टैब को क्लोज करूंगा, यहां पे ये क्योंकि अभी हमने उस सिस्टम को एक्सेस किया था, तो ये रिसेंट सेक्शंस के सेक्शन में शो हो रहा है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे इस फील्ड में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, और मैं इस फील्ड पे क्लिक करके एंटर करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, ये उस सिस्टम को आइडेंटिफाई करेगा, और वैलिड सिस्टम होने के बाद ये उस सिस्टम पे एक कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। जैसे ही उस सिस्टम पे कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड होगी, लास्ट टाइम आपने देखा था कि यहाँ पे ये ऑप्शन मुझे अवेलेबल नहीं था, क्योंकि तब तक मैंने उस पे पासवर्ड लगा के अनअटेंडेड एक्सेस के ऑप्शन को अनेबल नहीं था किया। अब मैं वहां पे कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड वहां पे सेट किया था, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, उसको यहाँ पे टाइप करूंगा। और अगर आप चाहें कि दोनों सिस्टम आपके हैं या बेसिकली एक्सेस आपको ग्रांटेड है, तो आप इसकी लॉगिन इन्फो को सेव कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको हर दफा जब भी आप इस सिस्टम को एक्सेस करें तो पासवर्ड टाइप ना करना पड़े। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा और ये पासवर्ड को मैच करेगा। पासवर्ड के वैलिड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली वहां पे कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। मैं एक दफा फिर यहाँ पे डेस्कटॉप के आइकॉन पे, डेस्कटॉप सेटिंग्स के आइकॉन पे क्लिक करूंगा और इसको स्ट्रेच करके फुल स्क्रीन ले आऊंगा, और अब मैं उस सिस्टम को जिस तरह चाहूं यूज कर सकता हूँ। इसमें हमने देखा कि आप किसी रिमोट सिस्टम को अपने पर्सनल सिस्टम पे किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हमने दो तरीके देखे। एक जिसमें कि उस सिस्टम पे किसी पर्सन का अवेलेबल होना जरूरी है, ताकि आप उसका एड्रेस जब एंटर करें तो वो पर्सन उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके। और फिर हमने देखा कि अगर आप दोनों सिस्टम के आपके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन है, तो फिर आप उस सिस्टम पे एक पासवर्ड सेट करके अनअटेंडेड एक्सेस को एक्टिव कर दें। नेक्स्ट टाइम आप जिस भी सिस्टम से उस सिस्टम को एक्सेस करना चाहें, तो आप सिंपली वो पासवर्ड यूज करते हुए डायरेक्टली उस सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.